सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही घरेलू सार्फीन के लिए गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे खवातीन सख्त नाला दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक गैस बंद रहती है और अगर आ जाए तो प्रेशर इतना कम है कि घंटों तवे पर रोटी डालकर पकने का इंतजार करना पड़ता है। बहुत परेशानी है, बच्चे भूखे प्यासे जाते हैं, ना कोई चाय वगैरह कुछ नहीं, मियाँ भी ऐसे ही, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, थोड़ी सी भी गैस दे दें तो क्या है। चने कुलचे खा के चले जाते हैं, कभी डबल रोटी खा लेते हैं, दोपहर को भी पकौड़े नान मंगाए वो खा लिए, तो ऐसे बाजार की रोटी पेट में नुकसान दे रही है हमारे। गैस तो बिल्कुल आती नहीं है कि बंदा चाय भी नहीं घूटे बना सकता। खवातीन का कहना है कि हुकूमत उन्हें रिलीफ देने की बजाय अपने मुफादात और सियासी जोड़ तोड़ में लगी है। बेचारी अवाम की बड़ी तादाद पे दर पे बहरानों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। सुबह उठते हैं, नाश्ता तो नाश्ता नहीं मिलता, गैस ही नहीं तो ना चाय बनती है, ना दूध बनता है, ना कुछ, और फिर स्कूल से आके फिर वही शोर बच्चों का, खाना दो खाना दो, खाना कहाँ से दें जब गैस ही नहीं है। तो गैस नहीं आती, ठंडे पानी से मुंह धोना पड़ता है। हाँ, अगर गैस नहीं आ रही और हम सुबह को यूं ही चले जाते हैं, ठंडा पानी होता है। गैस की बंदिश ने खवातीन के अमूर खानादारी को बुरी तरह मुतासिर किया है। नाश्ते से लेकर खाने तक हर घर में चूल्हे बंद और किचन सुनसान दिखाई देते हैं। खवातीन का कहना है कि गैस की बंदिश ने न सिर्फ उनके मामूलाते जिंदगी को दरहम बरहम किया है, बल्कि मासूम बच्चे भी इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। निगार खुर्रम, आज न्यूज़, लाहौर।